नमस्कार स्वागतम एया हैछे सिटी 18 स्टुडियोत मैं प्रांचल प्रतिम हजरीका दिल्लीर लाचित जयंतीर खबर जत केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित हैछे महावीर लाचितर वीरत्व देशवासीक जनवार उद्देश्य अहोम सरकारे अनुष्ठित करिछे राष्ट्रीय कार्यसूची बुधवार पर दिल्लीर विज्ञान भवनत अनुष्ठित हैछे लाचितर 400 बछरिया जन्म जयंतीर विशेष कार्यसूची आरु बर्तमान আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী বৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে পুনপতি অসম প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো দেশৰ ৰাজধানীৰ পৰা কৰো ইয়া মাৰো সংকল্পে কে সাথ ধৈৰ্য দূৰদৰ্শী আৰু দৃঢ়তা সে ইস পৰিস্থিতি কা সামলা কিয়া ইতিহাস মে ইয়ে উল্লেখ মিলতা হে কি জব সৰাইঘাট মে মুগলো কা খিলাফ যুদ্ধ হুৱা তব লাচিত বৰফুকন বিমার থে লাচিত বৰফুকন নে ইয়ে মহসুস কিয়া कि उनकी अनुपस्थित से सेना का मनोबल टूट जाएगा इसलिए ये युद्ध के मैदान में उतरे इससे अहोम सैनिकों का उत्साह मिला और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मुगल को खिलाफ जुट किया लाचित बरफुकन के अदम्य साहस और सही रणनीति के कारण सरायघाट युद्ध में असमिया सेना को बड़ी जीत मिले राजा राम सिंह ने असम में अपने जूट के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि एक अकेला व्यक्ति सभी सेनाओं का नेतृत्व करते हैं यहाँ तक कि मैं राम सिंह जूट में मौजूद होने का बाद भी किसी तरह की कमी और अवसर नहीं ढूंढ पाया सरायघाट जूट की परिणाम असम के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के भविष्य को भी निर्धारित किया ब्रह्मपुत्र घाटी ने प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्व एशिया को भारत की मुख्य भूमिका साथ जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है ब्रह्मपुत्र की पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार और चीन तक कोई प्राकृतिक मार्ग है ये मार्ग पाटकाई और इरावती नदी को पार करके म्यांमार पहुंचती है और वहाँ चीन की यूनान प्रदेश तक जाती है पहली शताब्दी में सनातन संस्कृति का ज्ञान और विचार ब्रह्मपुत्र घाटी के माध्यम से भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया मुगलों ने असम पर आक्रमण की योजना इसलिए बनाए कि इस क्षेत्र के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश कर उन्होंने अपना एक्सपांशन कर सकता है लेकिन लाचित बरफुकन ने उनका इस प्रयासों को विफल कर दिया और एक नया इतिहास रचा उस समय अगर अहोम सैनिकों ने मुगलों को गुवाहाटी में हराया नहीं होता तो आज म्यांमार असम समेत पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सांस्कृतिक नक्शा कुछ अलग होता लाचित बरफुकन का नाम असम की सीमाओं के आगे नहीं गया है प्रसार की कमी का कारण ही लाचित बरफुकन की ख्याति और वैभव लोगों तक नहीं पहुंचा हालांकि इस सैन्य प्रतिभा की पहचानते हुए 1999 में लाचित नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट आर्मी कैडेट को लाचित बरफुकन स्वर्ण पदक देने का शुरुआत की गई इस महान युद्ध नायक की 400 जयंती के उपलक्ष्य में असम सरकार ने कोई कार्यक्रम का आयोजन किया है लाचित बरफुकन के जीवन और समय को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में कोई भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसी कार्यक्रम के तहत 18 से 25 नवंबर तक रक्तदान शिविर वृक्षरोपण सांस्कृतिक और अन्य कई कार्यक्रम का पूरा असम में आयोजन किया गया है इस वीर योद्धा की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाया गया है असम सरकार ने लाचित बरफुकन असम हीरो हु हॉल्टेड द मुगल नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है यह पुस्तक प्रसिद्ध इतिहासकारों और लेखकों को द्वारा लिखित उनके जीवन की विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का एक संग्रह है लाचित बरफुकन के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है जो डॉक्यूमेंट्री अब से थोड़ी ही समय बाद माननीय गृह मंत्री जी उन्मोचन करेगा लाचित बरफुकन पर लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देते हुए निबंध लिखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था
हमने एक पोर्टल का शुरुआत किया था, हमने लोगों को आह्वान किया था कि आप लासिट का ऊपर इस पोर्टल में लिखें। मैं ये गौरव महसूस करता हूं कि अब तक 38 लाख लोगों ने पोर्टल में लासिट बर्फुकन का ऊपर लिखा। सबसे बड़ी बात था कि लासिट बर्फुकन ने हमारा असम को दोबारा फिर एकत्रित किया। ये पोर्टल में बराक घाटी में हमारा बंगाली बंधु लोगों ने खूब लासिट बर्फुकन का लिखा, बड़ो समाज से लासिट बर्फुकन का ऊपर लिखा, असम का हर जनजाति ने लासिट बर्फुकन का ऊपर लिखा, असम में बसे हुए हमारे सारे हिंदी भाषी लोगों ने लासिट बर्फुकन का ऊपर लिखा। एक प्रकार एक लासिट बर्फुकन का जन्म जयंती में हमारा असम का बीच में एक बहुत बड़ा समन्वय साधन हुआ, एक महान असमिया जाति का दोबारा बल मिला। असम सरकार ने जोरहाट जिले के होलोंगापार में अहोम सेनापति लासिट बर्फुकन कर मैदान पर एक भव्य स्मारक के निर्माण के लिए परियोजना लागू कर रही है। यह परिसर 50 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें सभागार, अतिथिशाला, संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र आदि होंगे। एक उसे मंच पर लासिट बर्फुकन की 150 फीट ऊंची कांस की प्रतिमा का भी स्थापित किया जाएगा। असम सरकार ने 1669 अलावई युद्ध की स्मृति को भी संरक्षित करने के लिए अलावई युद्ध स्मारक स्थापन करने का भी परियोजना को भी हाथ में लिया है। राज्य सरकार राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में लासिट बर्फुकन के सम्मान में एक स्मारक भवन बनाने का भी निर्माण किया है। आज मैं ये भी आप लोगों का सामने, हमारा जो असम का देरगांव में पुलिस एकेडमी है, ये भी आज से मैं लासिट बर्फुकन का नाम में समर्पित करता हूं। आज समग्र অসমবাসীৰ বাবে एक গৌৰৱৰ দিন। নতুন দিল্লীত পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাসিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ এনে এক বিশাল আয়োজন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী সন্মানীয় অমিত শাহ ডাঙৰিয়াৰ প্ৰেৰণাদায়ক উপস্থিতিয়ে আজি আমাক সকলোকে আনন্দিত কৰিছে। অহাকালি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াই এই লাসিত জন্ম জয়ন্তীৰ সমাপন সমাবেশত ভাষণ দিব। লাসিত বৰফুকনৰ এই জয়ন্তীয়ে আমাৰ জাতিটোক আকৌ এবাৰ একত্ৰিত কৰিলে। আমাৰ জাতিটোৰ গৌৰৱশালী ইতিহাস ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিলে। মই আশা কৰোঁ যে গৌৰৱী অসমীয়া জাতিয়ে লাসিতে যেনেকৈ এদিন আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিছিল, গৌৰৱী অসমীয়া জাতিয়ে আকৌ এবাৰ ভাৰত ভূমিত এটা উন্নত বিকশিত এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জাতি, দেশৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে নিজক উদ্ভাসিত কৰিবলৈ লাসিতৰ আদৰ্শৰে আকৌ এবাৰ নিজক সমৰ্পণ কৰিব, তাকে আহ্বান জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় আই ভাৰতী। লাসিতৰ শৌৰ্য বীৰ্যক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আপোনাৰ আন্তৰিক প্ৰয়াস সফল হওক সেয়া আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। देवियों सज्जनों, अब मैं माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया असम सरकार द्वारा प्रस्तुत लासिट बर्फुकन के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र का विमोचन करें। शाह उठा एक राष्ट्र, करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा, उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज, भारतवर्ष के अमर शूर वीरों में एक, दास्तान एक अमर विरासत की।
असम, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जहां बसता है ब्रह्मपुत्र का सबसे भव्य रूप। रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपियां, जो 17वीं शताब्दी के जोरहाट में पेड़ की छाल पर पाई गई, असम के प्राचीन प्राग ज्योतिषपुरा होने का सशक्त प्रमाण है। इट इज डिफिकल्ट टू डिपिक्ट फिजिकली दिस किंगडम ऑफ प्रागज्योतिष। प्रागज्योतिष वाज एंशिएंट लैंड, पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस लिव्ड देयर। असम कभी महान कामरूप का कण था, जिसकी ख्याति गिलगित तक फैली हुई थी। कामरूप के पतन के साथ शुरुआत हुई एक नए युग की। 1228 शूरवीर राजकुमार सुकफा ने ब्रह्मपुत्र की घाटियों में प्रवेश किया अहोम वंश की स्थापना के लिए। अहोम इज द रूट ऑफ द वर्ड असम। अहोम साम्राज्य निचले असम तक फैला हुआ था। आज का गुवाहाटी और ऊपरी असम इसका केंद्र था। स्वर्गदेव का वास गढ़गांव में था। जनवरी 1662 मीर जुमला ने 42,000 मुगल सैनिकों और 328 युद्धपोतों की नौसेना के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमण कर निचले असम को कब्जे में ले लिया। This led to a 9-month long tortuous campaign। जनवरी 1663 अहोम राजा स्वर्गदेव जयध्वज सिंघा ने अपनी सुरक्षा के लिए नाम्बू पहाड़ियों का रुख किया। तब राज्य के मंत्रियों ने घिलाझारी घाट में एक समझौता किया। एक काला दिन जो सदा के लिए असम के स्मृति पटल पर अंकित हो गया, जिसने 400 साल पुराने राजवंश की जड़ें हिलाकर रख दी। एक अपमानजनक समझौता, अहोम खजाने को कंगाल बनाने के लिए थोपी गई शर्तें। लेकिन वो यही नहीं रुके। राजा की इकलौती संतान, उनकी बेटी को मुगल सम्राट के हरम में शामिल होना पड़ा। एक ऐसा अपमान जिसे स्वर्गदेव सह ना पाए। नवंबर 1663 नए स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंघा ने गद्दी संभाली। लक्ष्य केवल एक, मातृभूमि की आजादी, अहोम गौरव की पुनः स्थापना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कौन करेगा अहोम सेना का नेतृत्व? द आंसर, इट्स अ स्टोरी दैट बिगन अबाउट 40 इयर्स अगो। ए सन इज बोर्न टू मोमाय तमुली बोरबोरुआ। अर्थशास्त्र ने युवा लासित के विवेक को और निखारा। दंड नीति ने उन्हें एक परिपक्व रणनीतिज्ञ बनाया। एक सेनापति का उदय। अहोम भूमि का यह पुत्र इतना तेजस्वी था, जैसा कि आगे चलकर इतिहासकारों ने लिखा, कि लोग उससे नजर नहीं मिला पाते थे। But Lachit isn't the man born with a silver spoon. Lachit is a hard worker. He proves his mettle, rising through the ranks of the Ahom administration. अपने गौरव, राष्ट्र और स्वर्गदेव के लिए मर मिटने को तैयार एक योद्धा। ये केवल नासित ही हो सकते थे। स्वर्गदेव का विश्वास और बोरफुकन की हैंगडंधा में लासित ने कमान संभाल ली।
फौजदार सैयद फिरोज खान के लगातार और अपमानजनक पत्र स्वर्ग देव के सब्र की परीक्षा ले रहे थे। आहोम ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, फिर मैं विदेशियों के आगे कैसे घुटने टेक सकता हूं? चले पर नमक डालते हुए औरंगजेब ने दूतों के हाथ स्वर्गदेव को खिल्लत भिजवाई। औरंगजेब ऑफन डिड दिस थिंग्स स्ट्रेटेजिकली टू ह्यूमिलेट टू कीप पीपल अंडर हिज थंब। 20 अगस्त 1667, 4 साल की लंबी तैयारियों का निर्णायक क्षण आ चुका है। अहोम सेना गांव से कोलियापुर के लिए प्रस्थान करती है। मातृभूमि को वापस पाने का दायित्व अब उनके कंधों पर है। ये घड़ी है, करो या मरोगे। लासित आस्क्ड हिज स्वर्गदेव टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स फॉर दिस हिस्टोरिक जर्नी डाउन द ब्रह्मपुत्र। इन अहोम ट्रेडिशन the astrological science is at the center of administration and warfare. मुगलों का पहला गढ़ धराशायी होता है, फिर दरंग और काजोली। एक एक कर सभी गढ़ गिरने लगते हैं, लतासिल, रंगमहल और शाहबुरुज। अब सामने है सबसे बड़ी चुनौती। लासित इताखुली का रुख करते हैं, गुवाहाटी का प्रवेश द्वार। कैप्चरिंग दिस बेशन इज अ ह्यूज टास्क। द अहोम आर्मी हैज टू टेक ऑन द मुगल्स ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोविजंस, एमिनेशन एंड सोल्जर्स हियर। अहोम सेना के पास था एक गुप्त हथियार, चोर बच्चों का एक दल। भेस बदलकर रात के अंधेरे में काम करने वाले जासूस। चोर बच्चा आर एक्सलेंट अंडरकवर सोल्जर्स। अहोम मिलिट्री पायनियर्ड द यूज ऑफ स्पाइज इन देयर वॉरफेयर। एक अंधेरी रात जब चांद छुप गया, अहोम सेना के चोर बच्चे गुपचुप इताखुली किले की दीवारों पर चढ़े और मुगलों की तोपों में पानी डाल दिया, उन्हें निरस्त्र कर दिया। मुगल्स रियलाइज्ड दे हैड नथिंग टू रिटेलिएट विद, दे वर ओवररन इन वन स्वीप। आधी रात 2 नवंबर 1667, इताखुली जीत लिया गया, मुगलों को खदेड़ दिया गया। फौजदार और कई अन्य बंदी बना लिए गए और कई मारे गए। विजय स्तंभ पर इस जीत के हस्ताक्षर आज भी ताजा हैं। The information reaches Aurangzeb at Agra by December 1667. He is enraged by the news. He chooses Raja Ram Singh of Amber. As the leader of the fight against the Ahom dynasty. स्वर्गदेव ने परिस्थितियों के अनुकूल रणनीति बनाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री अतन बोढ़ा गोहेन को प्राचीर के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। प्राचीर ने पूरी घाटी को ढककर नए आक्रमण पर अंकुश लगा दिए। आज भी लासितगढ़ गुवाहाटी में इसके अवशेष मौजूद हैं। The Ahoms mounted their guns after short intervals across their newly made ramparts, the hills and the valleys. वहीं आगरा में राजा राम सिंह ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। वो जय सिंह के पुत्र थे और एक सेनापति के रूप में कंधार से लेकर बंगाल तक प्रख्यात थे।
मार्च 1671 मुगल सेना को अंधारुबाली में एक प्रवेश बिंदु मिला। राजा राम सिंह आगे बढ़ते हैं। बोरफुकन को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वो सर्दी और दर्द से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके पास हमले की खबर पहुंचती है। ज्योतिषी अच्युतानंद दोलो उन्हें सलाह देते हैं, अभी समय उचित नहीं है। The soldiers began panicking. Without their leader, they are unorganized. They are almost overrun. लासित छटपटाने लगते हैं। उनके लोगों की जान दांव पर है। उनकी मातृभूमि विनाश के कगार पर खड़ी है। अच्युतानंद उन्हें रोकते हैं, अभी समय उचित नहीं। Now Lachit begins arguing with the astrologer. He threatens him in fact. Such an impossible thought. What a brave man. To argue with astrologers is an unbelievable thought in Ahom tradition. अच्युतानंद घोषणा करते हैं, यही वो पहर है जब राम ने रावण पर आक्रमण किया था। जाइए। सराय घाट 1671। भले मुगल मुझे जिंदा पकड़ लें, पर मैं अपने लोगों पर आंच नहीं आने दूंगा। लासित की इस दहाड़ ने सेना में जोश भर दिया। गोरफुकन की सेना में शामिल होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अपने गोरफुकन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दोनों किनारों पर सैन्य भीड़ों के साथ आने से नावों की एक दीवार से बन गई, लगातार तोपें दागते हुए। डर अब मुगल सेना को जकड़ने लगता है। अहोम सेना का साहस शिखर छू लेता है। लासित बोरफुकन आगे बढ़कर स्वर्गदेव, राष्ट्र और लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। राजा राम सिंह को पीछे हटना पड़ता है। मुगलों की हार होती है और अहोम की जीत। मातृभूमि अब सुरक्षित है। At this moment, I could not express myself the feeling of the time, but then it must have been a great occasion for the Assamese people, Assam, against the invaders. लासित बोरफुकन के किस्से कहानियां असम की संस्कृति, आबोहवा और जनमानस के दिलो दिमाग का अभिन्न हिस्सा है। लासित दिवस सेलिब्रेट्स दिस कल्चरल आइकन ऑन हिज बर्थडे नवंबर 24। इट्स अ डे टू सेलिब्रेट वन ऑफ असम्स मोस्ट इपिक वेन्स, ए डे ऑफ नेशनल प्राइड। एक अचूक रणनीतिज्ञ, सबके प्रिय बोरफुकन, जनता के चहेते कल भी और आज भी, ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोरफुकन। इतिहास के विद्यार्थियों के सामने आ रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे कठिन समय के अंदर लासित बोरफुकन ने देश के एक ऐसे कोने में जो वीरता बताई, न जाने विधाता की ही इच्छा होगी, उस वक्त धर्मांध औरंगजेब के खिलाफ देश के हर हिस्से में एक लड़ाई जगी थी। दक्षिण में कहीं शिवाजी महाराज स्वराज की भावना को ताकत दे रहे थे, ठेठ उत्तर में दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पश्चिम में राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ लड़ रहे थे, तो पूर्व में मुगल सेना को परास्त करने के लिए उसी कालखंड में लासित बोरफुकन भी लड़ रहे थे। इतिहास का ये संयोग एक समय में देश के कई हिस्सों में धर्मांध मुगलों के खिलाफ जो एक साथ किसी न किसी
वीर पुरुष ने एक साथ किसी न किसी पराक्रमी योद्धा ने जो आवाज उठाई और इसके कारण ही अंततोगत्वा मुगल साम्राज्य का पराजय हुआ, पतन हुआ और देश फिर से एक बार आजादी की ओर, स्वराज की ओर बढ़ा। मित्रों, लसित बरफुकन जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, वो न केवल एक सेनापति के रूप में, एक असीम देशभक्ति के मालिक, ऐसे देशभक्त के रूप में सराईघाट की लड़ाई को आज भी याद किया जाता है और आज भी याद किया जाना चाहिए। मित्रों, लगभग आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज हेमंत जी ने ढेर सारी इनकी स्मृति को संजोने के लिए, उनकी स्मृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव किए हैं, मगर 1999 में एनडीए में जो बेस्ट कैडेट होता है उसका गोल्ड मेडल जो दिया जाता है उसका नाम लसित बरफुकन गोल्ड मेडल है। हमारे देश के सभी जांबाज जवानों को इस योद्धा से प्रेरणा लेने के लिए और इसके जीवन के अनुरूप जीवन जीने के लिए एक गोल्ड मेडल की रचना की गई। लगभग 600 वर्ष के अहोम राजाओं के इतिहास में कई बार मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए। राजा पृथ्वी से लेकर अंतिम लड़ाई औरंगजेब और लसित बरफुकन के बीच में हुई। पृथ्वी के बाद अहोम साम्राज्य आया, लगभग 22 बार असम पर आक्रमण हुआ, मगर हमारा देश का यह हिस्सा ऐसा था, कदाचित ऐसे समय आए कि हारना भी पड़ा, मगर स्वराज की जिजीविषा कभी खत्म नहीं हुई। 2 साल 3 साल 4 साल सबसे ज्यादा समय है 4 साल, जब तक वो विजय का आनंद ले सके, 4 साल के भीतर ही फिर से हमारे लोग उठ खड़े हुए और विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, और इसी के परिणाम स्वरूप आज देश में सबसे अक्षुण संस्कृति कहीं पर पाई जाती है तो हमारे बहुत सौंदर्यवान और कुदरती सौंदर्य से भरपूर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। वहाँ की भाषा, संस्कृति, गायन, वादन, वेशभूषा और खानपान, ये सभी अक्षुण रहा है। कभी भी विदेशी इसको तोड़ नहीं पाए, कभी भी ये परंपरा को तोड़ नहीं पाए। मित्रों, अकबर हो या औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी हो या इवाज खिलजी, मोहम्मद बिन तगलक हो या मीर जुमला, हरेक ने यहाँ से पराजय का मुंह देखना पड़ा और अहम राजाओं के पराक्रम के सामने वो पराजित होकर आगे बढ़ते गए। मित्रों, अहम के साहस और पराक्रम उसने ढेर सारी हमारी संस्कृति को, इतिहास को बचाने का काम किया है, और सबसे कठिन लड़ाई उनके लिए, उनके पास थी, क्योंकि छोटी छोटी जनजातियों को इकट्ठा करके लड़ना पड़ता था। कई बार चुटिया राजाओं के माध्यम से सहायता ली, कई बार सारे ट्राइब्स को इकट्ठा किया, और ये 600 वर्ष के स्वर्णिम काल में राजा सुहंगम, राजा पृथु, राजा संध्या, राजा दुर्लभ नारायण, राजा सुदंगफा, राजा प्रताप सिंह और लसित बरफुकन के पराक्रम ने इस क्षेत्र को हमेशा बचाया। मित्रों, मैं लसित बरफुकन के जीवन के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहता हूँ, इनके जीवन ने साहस की व्याख्या पूरी दुनिया के सामने की है। जिस काम को करने में डर लगता है उसी को करने का नाम साहस होता है। इतनी बड़ी मुगल फौज के सामने, इतने विपरीत अनुकूलता प्रतिकूलताओं में, और शरीर जब बीमार था,